उन्हीं दिनों की बात है, बाबा के सामने धीरे धीरे ज्ञान के राज खुलने लगे थे। संदेश पुत्रियां वतन से ध्यान के माध्यम से संदेश लाने लगी और एक दिन मम्मा, आज मैं ध्यान में गई तो वतन में मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बिल्कुल बाबा जैसा ही था। बाबा जैसा? और क्या देखा? फिर मैं वापस आ गई। अच्छा, मैं बाबा को बताती हूँ, तुम भी बताना। बाबा, गुलजार ध्यान में गई थी और उसने वतन में आप जैसा ही व्यक्ति देखा। मुझे देखा? मेरे जैसा ही? ब्रजेंद्रा, जरा गुलजार को बुलाना। बच्ची, तुमने क्या देखा? बाबा, मैंने आपको देखा। आपसे बहुत प्रकाश फैल रहा था। तुम्हें तो श्री कृष्ण देखना चाहिए था, देवताओं का रास मंडल देखना चाहिए था। ये क्या देखा तुमने? उसने कुछ कहा भी? नहीं बाबा, मैं वापस आ गई। अच्छा ठीक है, जाओ। बाबा, ये क्या है? मम्मा, मुझे लगता है कि ज्ञान का कुछ राज खुलने वाला है। ब्रजेंद्रा, तुम गुलजार को कुछ प्रश्न बना कर दो, जो वहां पूछ कर आए कि वो कौन है। जी बाबा। बाबा, मैंने गुलजार को ध्यान में भेजा, वह जवाब लेकर आई है। अच्छा, बुलाओ उसे। आओ बच्ची, बैठो। बच्ची, ध्यान में गई? गुलजार, बाबा को पूरा दृश्य सुनाओ। बाबा, जैसे ही मैं ध्यान में गई, मेरे सामने वह बहुरूपिया आया। उससे चारों ओर बहुत प्रकाश फैल रहा था। उसके मस्तक में एक सुंदर सितारा भी चमक रहा था। मैं उसे देखती ही रह गई। वह भी बड़ी ही मीठी मुस्कान से मुझे देख रहा था। मैंने साहस करके उससे पूछा कि आप कौन हो, तो उसने उत्तर दिया, मैं संपूर्ण ब्रह्मा हूँ। मैं यहीं सूक्ष्म वतन का वासी हूँ। नीचे साकारी ब्रह्मा है, उसे तपस्या करके संपूर्ण ब्रह्मा बनना है। मैं उसका ही संपूर्ण स्वरूप हूँ। अच्छा, तो मुझे संपूर्ण बनने के लिए तपस्या करनी होगी, गहन तपस्या। मुझे संपूर्ण बनना होगा। अब तो तपस्या की मेहनत करनी होगी। श्रेष्ठ परमात्म पालना, जिसकी कल्पना ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते, उस परम भागी को इन आत्माओं ने प्राप्त किया। ज्ञान की गुह धारणा, अखंड योग की तपस्या और सर्व संबंधों की साकार पालना के स्नेह का रस पीते पीते 14 वर्ष का ये महान भाग्यशाली समय ऐसे बीत गया जैसे एक क्षण भर की बात हो।
बच्चे कैसे हो? ठीक है बाबा। बच्चे पहले कभी बाबा से मिले हो? हाँ बाबा, कल पहले मिले थे। बच्चे पुरानी स्मृति आ गई? नहीं बाबा, ये तो टीचर ने रास्ते में सिखाया था। बाबा स्थिति एक रस नहीं रहती। बच्चे जब निरंतर बाप की स्मृति रहेगी तभी स्थिति एक रस होगी। ये निश्चय हो जाए कि ये कलयुगी तमो प्रधान दुनिया अब जाने वाली है, जब ज्ञान युक्त वैराग होगा तभी स्थिति एक रस होगी। बाबा हमें तो पूरा निश्चय है, इसलिए हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली है। हम पवित्र बनकर भारत को स्वर्ग बनाएंगे। शाबाश बच्चे, आजकल के युवक तो तोड़फोड़ करते हैं, परंतु तुम तो भगवान के बच्चे हो। तुम्हें कुल का नाम बाला करना है और मानवता की सच्ची सेवा करनी है। बच्चे तुम तो तपस्वी कुमार ऋषि कुमार हो, तुम्हें युवा वर्ग की सेवा करके उन्हें श्रेष्ठ मार्ग दिखाना है। बाबा यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई, आप तो सबके पिता हो, मैं भी आपका बच्चा बन गया हूँ। यहाँ तो जाति पाति धर्म का कोई भेद नहीं। हाँ बच्चे, सभी आत्माएं हैं, सभी एक बाप के बच्चे हैं, इसलिए सभी आपस में भाई भाई हैं। बाप तो एक है, चाहे कोई उसे खुदा कहे या भगवान। अब खुदा खुद आया है इस आदम के तन में, इस दुनिया को बहिष्ट बनाने। बच्चे ये संदेश सभी को दो। बाबा आप हमें 5,000 वर्ष के बाद मिले हो, आपको हमने कितना ढूंढा। बच्चे अब महावीर बनकर माया पर जीत पाओ। ये रावण तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें माया को जीत कर जगत जीत बनना है। बाप तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी। बच्चे बाप की याद से तुम्हें पावन बनना है। बाबा पर भात फेरी बाहर खड़ी है, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, आप झंडी दिखाकर सभी को जाने की अनुमति दो। चलो बच्चे प्रभात फेरी से सभी को बाप का संदेश दो। तुमको गीता ज्ञान सुनाकर जगा रहा भगवान, अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। तुमको गीता ज्ञान सुना कर जगा रहा भगवान, अब तो जाग जाग इंसान। जागो जागो, भारत में भगवान आए हैं, भारत में भगवान आए हैं। परम पिता शिव आया, अब परम पिता शिव आया, परम पिता शिव आया, अब परम पिता शिव आया। वैकुंठ साथ मिलाया, अब परम पिता शिव आया।